नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 14 जून को यूपी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का ट्रांसफ़र को लेकर के ट्रांसफ़र सेशन 2022-23 के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को कल अप्रूव किया है। तो कई शिक्षक साथियों का सवाल था कि इस जो ये जो पॉलिसी जो अप्रूव किया गया है, इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जून 2019 के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र के नाम पर ट्रांसफ़र पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है, यानी आम शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हालांकि बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि विशेष परिस्थितियों के नाम पर कुछ ट्रांसफ़र जो है, कुछ सूची निकलती है, कुछ आदेश जारी होते हैं, शायद ये VVIP ट्रांसफ़र होंगे। मेरे समझ से वास्तविकता क्या है, ये समझ से फिलहाल मेरे लिए समझ से परे है। तो हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया कि जून 2019 के बाद ट्रांसफ़र पूरे प्रदेश में आम शिक्षकों के लिए बंद कर दिया गया। कहा गया कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र लाया जाएगा, मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र लाया जाएगा, और इससे जो हम शिक्षक थे काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र से साफ़ सुथरे ट्रांसफ़र होंगे, उसमें पारदर्शिता होगी, जो जहां जाना चाहेगा आराम से शिक्षक अपनी ट्रांसफ़र करा के जा सकेंगे। लेकिन हुआ वास्तविकता ठीक गलत उल्टा, और लंबे अंतराल के बाद 27 जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 के द्वारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो है 16 बिंदुओं का जिक्र किया गया, बताया गया कि किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे। हालांकि ये जो 16 बिंदु थे उसमें 2-3 बिंदु तो ऐसे थे कि काफ़ी विवाद हुआ, जैसे बिंदु 11, बिंदु 14। बिंदु 11 कहता था, कहा कि प्रदेश में जो 8 अति महत्वाकांक्षी जनपद हैं, जैसे कि सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, भराई, श्रावस्ती, ये 8 महत्वाकांक्षी जनपद घोषित हैं। और ये कहा गया कि इन महत्वाकांक्षी जनपदों से शिक्षकों का ट्रांसफ़र अन्य जनपदों में नहीं होगा। तो ये तो काफ़ी ये विवाद हुआ कि मान लीजिए कि इन 8 जनपदों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, क्या वे अपने घर अब कभी नहीं जा सकेंगे, क्या उनका जीवन उन्हीं जंगलों में बीत जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विवाद होना ही था। एक और भी बिंदु था, बिंदु 14। इस बिंदु 14 में ये कहा गया कि जिस विद्यालय से स्थानांतरित होना है उस विद्यालय में उस विषय का अतिरिक्त शिक्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र हो जाए तो उस विद्यालय में उस संबंधित विषय का एक भी शिक्षक न हो, तो इसको भी लेके विवाद था। बहुत सारे ऐसे तो ऐसे ही स्कूल हैं जहाँ विषय के एक ही शिक्षक हैं। मान लीजिए कि खास करके तो मैं कहता हूँ जो प्रवक्ता संवर्ग के हैं, तो प्रवक्ता संवर्ग के हैं तो अमूमन तो यही देखा जाता है ना कि हर विद्यालय में जो है एक विषय के एक ही शिक्षक हैं, तब तक उस प्रवक्ता का कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और सहायक अध्यापक का भी, बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ संस्कृत के एक ही शिक्षक हैं, कला के एक ही शिक्षक हैं, फिजिकल एजुकेशन का एक ही शिक्षक है, संगीत का एक ही शिक्षक है, तब तक कभी ट्रांसफ़र ही नहीं होगा उस व्यक्ति का। तो इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुए। और एक बिंदु का मैं और जिक्र करूंगा, बिंदु 12, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदु 12 यह कहता है कि ये जो ट्रांसफ़र हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो अधियाचित में जो अधियाचन भेजा गया है, अधियाचित पर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है तो उस पद पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, और यही 2021 में हुआ था। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई थी, अधिकारियों द्वारा ऐसी बातें कही जा रही थी कि फरवरी मार्च में जो है ट्रांसफ़र आएगी। जाहिर सी बात है जो अधियाचित पद थे उन पदों पर भी ट्रांसफ़र होते, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं कि जो 2021 में जो ट्रांसफ़र आए हैं वो ट्रांसफ़र, मेरे समझ से वो ट्रांसफ़र जो है सरकार का कुछ इस तरह से किया गया कि ट्रांसफ़र भी हो जाए और ट्रांसफ़र भी ना हो जाए, ना ट्रांसफ़र हो जाए
सरकार कहे कि हमने तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, भले ही उस ट्रांसफर का लाभ जो है शिक्षकों को मिले या न मिले। क्योंकि अगर अगर वाकई अगर ट्रांसफर की उनकी इच्छा रही होगी, अगर इच्छा शक्ति रही होती, तो वो जो है फरवरी 2021 में ट्रांसफर लाए होते। और जब ट्रांसफर लाए होते उस समय काफ़ी संख्या में पद अधियाचित थे, लगभग 20,000 पद अधियाचित थे। तो जब 20,000 पदों पे आराम से शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ होता, शिक्षक अपने घरों तक लोग पहुँचे होते, और जो जो अधियाचित पद पे जब ट्रांसफर होता, जहाँ से शिक्षक ट्रांसफर होता वहाँ तो सीटें भी खाली हो जाती। तो जो नए अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या वही रहती। क्योंकि एक शिक्षक एक स्कूल छोड़ता है तो दूसरे स्कूल पे ट्रांसफर हो जाता है। तो अधियाचित पद पे जब जाएगा तो पहले जहाँ वो कार्यरत था वहाँ सीट तो खाली हो गई, तो उन्हीं सीटों पर वैकेंसी आ सकती थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, बिंदु 12 तो कहता ही था कि अधियाचित पद पर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन विज्ञप्ति जारी होने के बाद उस पद पर ट्रांसफर नहीं होंगे। और यही हुआ, फरवरी में ट्रांसफर नहीं आए, और मार्च आते आते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी। और जब विज्ञप्ति जारी कर दी तो जाहिर सी बात है कि अब सीटें तो ट्रांसफर के न के बराबर रहे। उसके बाद भी लंबा समय तक हमें इंतजार करना पड़ा। हम सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास के बाद 12 जुलाई 2021 को ट्रांसफर आए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश सामान्य एक अनुभाग एक प्रयागराज ने 12 जुलाई को ट्रांसफर की घोषणा कर दी। ये जो ट्रांसफर आए, ये जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रवक्ता सहायक अध्यापक का ये जो ट्रांसफर हुआ, इस ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर आया, यह त्रुटिपूर्ण था। मैं कहूँगा त्रुटिपूर्ण था। अगर त्रुटिपूर्ण नहीं होते तो ट्रांसफर के लिए आवेदन का जो समय था उन्हीं समय सीमा में कई संशोधित आदेश आए, और जो हमारी कई मांगे थी जिन मांगों को माना नहीं गया, पता चला कि कई लोग कोर्ट भी गए। तो इस तरह से अब मैं कहूंगा कि कैसे त्रुटिपूर्ण था। त्रुटिपूर्ण तो बिंदु बार ही था। पहले आप जो है अधियाचित पद पे आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? आप उस समय तक का इंतजार क्यों किए कि विज्ञप्ति जारी हो जाए तो उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे? पहला तो ये था। दूसरी बात कि ट्रांसफर के लिए जो सीटें दिखाई गई, जो शो किया गया, उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य थी। मैं अपने विषय में बता रहा हूँ कि नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का पद पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 जगह सीटें खाली थी सामान्य वर्ग के लिए। अब बताइए, मैं हूँ गाजीपुर जिले में, और बाय द वे मैं ट्रांसफर अपना कराना चाहूँ दूसरे जनपदों में, तो जनपद तो हुए 75 और सीटें रिक्त कितनी थी? मात्र 3। अब बताइए ट्रांसफर होगा कैसे? तो यही कमोवेश स्थिति थी। किसी को ट्रांसफर कराना है जौनपुर में, और वो बेचारा आवेदन, वो शिक्षक आवेदन कर रहा है कहाँ के लिए? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, फिर तो घर कहाँ पहुँचा? तो इस तरह की जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी आई। बमुश्किल से मैं कहता हूँ कि 20,000 शिक्षक ट्रांसफर चाहते थे, और ट्रांसफर मिलता कितने लोगों का? अमूमन 200-400 लोगों का ट्रांसफर होता, और वो भी ट्रांसफर वहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ नहीं। अगर वो जाना चाहते हैं जौनपुर तो उनको ट्रांसफर लेना पड़ेगा सुल्तानपुर, जाना चाहते हैं सुल्तानपुर तो उनको ट्रांसफर लेना पड़ता अम्बेडकर नगर। ये स्थिति थी। बस लोग इतने से खुश थे कि 800 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी घट के 200 किलोमीटर हो जाएगी, इतने से लोग। इसके अलावा उस ट्रांसफर में कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो अब मैं बात करूं अभी का, ये जो ट्रांसफर सेशन का ले जो आया है ट्रांसफर पॉलिसी, इसमें हमारी क्या संभावना है? तो संभावनाएं देखिए, वही होगा 2021 रिपीट होने जा रहा है। मेरे नज़र से 2021 को ही रिपीट कर रही है। ट्रांसफर आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर आएगा उस ट्रांसफर का लाभ शायद ही हम शिक्षकों को मिल पाएगा। क्यों? आप देखिए बिंदु 12 को ध्यान से देखिए कि बिंदु 12 में कहा गया कि अधियाचित पद पर ट्रांसफर हो सकते हैं, विज्ञप्ति जिस पे जारी हो जाए उस पे ट्रांसफर नहीं होंगे। अब बताइए कि 4163 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी किया जा चुका है। अब जो पद रिक्त है उसमें तो विज्ञप्ति जारी हो गया, जो अधियाचित पद थे उसमें तो विज्ञप्ति जारी कर दिए गए। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि आपका ट्रांसफर कैसे होगा।
जो 2021 में घटा वही 2022 में होने वाला है। जब पद ही नहीं दिखेंगे, जब हम शिक्षक, यहाँ तो शिक्षक 20,000 शिक्षक हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं, और जो पद दिखेंगे वो कितने होंगे? जो पद ही नहीं रहेंगे तो फिर वही सोचेंगे जो पिछली बार लोग सोचे थे कि हम हैं गाजीपुर का कोई बंदा है और वो सहारनपुर में नौकरी कर रहा है, तो सोच रहे चलो सहारनपुर से तो नज़दीक है, अगर अम्बेडकर नगर में मिल जाए, चलो सहारनपुर से तो नज़दीक है, चलो प्रतापगढ़ ही मिल जाए। वो जहाँ जाना चाहता है, मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से कोई बहुत बड़ा जो है हमारी अपेक्षाएं पूरी होने जा रही हैं, हमारे सपने पूरे। अब हमको फिर से जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी देखिए अभी ट्रांसफ़र आता है कि नहीं आता है। अभी अप्रैल महीने में जो मीटिंग हुई थी प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ट्रांसफ़र हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बात माध्यमिक जो एडेड विद्यालय है, जो सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, इन शिक्षकों के भी ट्रांसफ़र को लेकर मुद्दा उसमें उठा, बातें की गई कि ये जो है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ना केवल फाइलों में घूम रही है, ज़मीन पे काम जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साथियों जो हम लोग इंतज़ार करें, देखें अभी गवर्नमेंट क्या करती है। 3 साल से हम शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इंतज़ार करेंगे। सरकार क्या चाहती है, कब तक इंतज़ार करवाना चाहती है, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।